सिर्फ 2 मिनट में बनाएंगे पॉपलेट फिश तंदूरी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक वॉच करना। दोस्तों ये पॉपलेट फिश है, अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हो कुछ इस तरह से काटिएगा। दोस्तों इसके साइड से आपको चीरा मारना पड़ेगा ताकि मसाला अंदर तक घुस जाए। देखिए कुछ इस तरह से चीरा मारिएगा, और हम लोग तंदूर में बना रहे हैं तो इस तरह से चीरा मारेंगे दोस्तों। और मसाला दिखाएंगे आपको कैसे अंदर से मसाला घुसाना है उसका, और कैसे पकेगा वो सब आज इस वीडियो में। तो इसको एक बार धो लीजिए, अंदर से काला काला होता है उसका। अब इसको हम कपड़ा से पोछेंगे। ये लाल मिर्ची पेस्ट है जो कि इसको लाल करने में मदद करेगा। देखिए हम इसको लाल करेंगे और अच्छे से लाल कर लेना है दोस्तों, ताकि कलर आएगा अंदर बाहर आप कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से आपको कलर लगा लेना है लाल मिर्च पेस्ट का। अभी हम इसमें मसाला डाल देंगे, रेड मसाला जो तंदूरी मसाला बोलते हैं उसको। इसको हम ऐसे जैसे मिर्ची पेस्ट लगाया वैसे हम मसाला को उसके जो चीरा है या फिर कहो जो गैप है उसके अंदर हम मसाला को डालेंगे, और अंदर भी वो साइड भी डालेंगे, ये साइड भी, दोनों साइड हमें ऐसे डाल देना है दोस्तों। और अंदर जिधर उसका मुंह है उसको काट दिया है हमने साइड से, तो वो साइड से भी मसाला डालने का जगह रहता है, अंदर डाल देना। कुछ इस तरह से मिला लेना है आपको अच्छे तरह से आगे पीछे से। अभी एक मीडियम साइज का सरिया लेंगे, उस पर लगा देंगे। देखिए हमने कुछ इस तरह का सरिया लिया है जो कि ज़्यादा मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको पतला सरिया बिल्कुल ना लें, क्योंकि मच्छी का वजन ज़्यादा होने के कारण वो गिर जाएगा, जब तंदूर में गिर जाएगा तो आपको उठाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो पॉपलेट फिश है दोस्तों, ये वाला फिश बहुत कॉस्टली फिश है, आई मीन बहुत टेस्टी फिश है, और मार्केट में महंगा भी मिलता है। तो अब मैं रिकमेंड करूँगा आपको तो ये मीडियम सरिया में लगाए दोस्तों। अभी हम इसको अंदर डाल देंगे। देखिए ये अपना तंदूर है, 200 से 300 डिग्री तक है, उससे ज़्यादा फास्ट होगा तो आपका जल जाएगा दोस्तों, इसीलिए ध्यान रहे दोस्तों 200 से 300 डिग्री ही होना चाहिए। दोस्तों मच्छी हाफ डाउन हो गया है, ये 5 मिनट बाद का वीडियो है। देखिए अभी फुल डाउन पे हो गया है, ये भी हमने स्किप करके बनाया, एकदम देख लेना है आपको पका है कि नहीं, एकदम से पक गया है। अभी हम इसको कपड़ा की मदद से हम निकालेंगे। दोस्तों पार्सल का ऑर्डर है तो हम इसको बॉक्स में पैक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा होटल एंड रेस्टोरेंट में पॉपलेट फिश कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर